तो मैं ना यहाँ पे रेड बेल पेपर को ना बर्न कर ले रही हूँ फ्लेम के ऊपर रख के। कैप्सिकम को ना मैं तब तक भूनना जब तक इसका पूरा ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स ना हो जाए, तब तक वो सॉफ्ट भी हो जाता है। पैन में ले लेंगे ऑयल और फाइनली चॉप्ड अनियन ले लेंगे। इसको हमें भून लेनी है तब तक जब तक ना गोल्डन ब्राउन कलर ले लें। अनियन भून गया है तो मसाले थोड़ा बहुत ऐड कर देंगे, पर उससे पहले मैं ऐड करूँगी फाइनली चॉप टोमेटोज। इसमें मैं ऐड करूँगी मसाले के नाम पे नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर। तो यहाँ प्लेट में ना मैंने हरी मिर्ची को फाइनली चॉप करके ले लिया और ये जो बर्न रेड बेल पेपर था उसको मैंने छील के थोड़ा सा चॉप कर लिया रफली। तो इसको हम ऐड कर देंगे मसाले में और एक अच्छा सा मिक्स देके भून के पका लेंगे लगभग 1-2 मिनट के लिए। अच्छे से भून गया तो ऐड कर दूंगी मैं यहाँ पे मैगी मसाले मैजिक का एक पूरा सैशे। पर हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगी लास्ट में, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, मतलब अभी थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे और लास्ट के लिए थोड़ा सा बचा के रख देंगे ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। यहाँ पे है शेजवान चटनी, रेड चिली सॉस और मेयोनीज, मैंने तीनों एक साथ मिक्स करके ले लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए बहुत अच्छा सा हमारा जो मसाला है वो भून के पक गया था। मैंने ज़रा सा पानी भी ऐड किया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पैगेटी जो हमने बॉईल करके रखा था वो, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी जो स्पैगेटी का जो पानी था ना वो मैं थोड़ा सा बचा के रख ली थी। तो एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद मैं वो स्पैगेटी का पानी भी डाल दूँगी। एक अच्छा सा मिक्स दे लेंगे और यहाँ पे मैं इस स्टेज पे ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ जो हमने बचा के रखा था मैगी मसाला मैजिक का ना पैकेट, थोड़ा सा वो हम स्प्रिंकल करके डाल देंगे। एक अच्छा सा मिक्स दे लीजिए और ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर दे रही हूँ कोरिएंडर लीव्स। ये ऑप्शनल, आप चाहें तो ना भी डालें बट मैं डालती हूँ, बहुत डिलीशियस लगता है। बस एक अच्छा सा मिक्स दे लीजिए, फ्लेम कर दीजिए ऑफ और इसको गर्मा गर्म कीजिए इंजॉय। बहुत डिलीशियस लगता है, एक बार आप ट्राई करिएगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा। Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing good at home, safe and sound. So today is 28 December 2022. तो हम आज गए थे कालीघाट काली टेम्पल। मैं जस्ट अभी आई हूँ घर। मैंने वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए क्योंकि आई फील मुझे अच्छा नहीं लगता, फील लाइक कि कुछ रिकॉर्ड करके शेयर करना चाहिए स्पेशली मंदिर का, तो इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। आई होप मैं आपको अंडरस्टैंड करा पा रही हूँगी। तो यस, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया वहाँ पे। हम पूजा के दर्शन किए और फिर वापस घर आते हैं। वहाँ पे ना कालीघाट काली टेम्पल के थोड़ा सा सीधा अगर आप जाएंगे जहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं ना मार्केट कपड़ों का, चप्पल का, स्वेटर्स का, तो वहीं पे एक उजाला चनाचूर है। हमने वहाँ से चनाचूर लिया, स्पेशली उन लोग का ना वो चनाचूर फेमस है। मैं ना फटाफट से आपको दिखा देती हूँ चनाचूर से क्या लिया। बाय द वे उनका चनाचूर 400 रुपीज पर केजी में। लो ये है वो पैकेट, यू कैन सी इट्स रिटन उजाला चनाचूर। ये एक एक्स्ट्रा पैकेट है, ये है वो नमकी जो मैंने मेरे लिए लाया है, और ये है कोचू, ये है वो दो चनाचूर, एक है सिर्फ, तो ये एक है सिर्फ पापड़ी वाला और ये है बादाम के साथ मिक्स्ड है। सो 30 दिसंबर को मेरा भाई का और मेरे बड़े भैया का, हम तीनों का प्लान बन गया था साउथ सिटी जाने को, ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम ले।
और आप देख ही सकते कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड किया गया था, एकदम यू नो क्रिसमस वाइब्स वापस से आ चुका था। हालांकि उन्होंने डेकोरेटेड किया था स्पेशली क्रिसमस के लिए, बट हम गए थे 30th को ना, तब तक डेकोरेशन था, तो फिर से वो वाइब्स आ रहे थे, क्रिसमस वाली फीलिंग आ रही थी। और फिर भाई का प्लान हुआ स्वेटशर्ट लेने को फ्रॉम ज़ारा, फिर उसने मेरे लिए परफ्यूम ले लिया था, और स्वेटशर्ट प्लस परफ्यूम का जितना भी यू नो पेमेंट था पूरा भाई ने किया था। और हमारा प्लान नहीं था मूवी वूवी देखने का, बट अचानक से वहाँ हम आईनॉक्स देखे और फिर हमारा अचानक से प्लान बना मूवी देखने का, बट मूवी एट प्रेजेंट कुछ अच्छा था नहीं। और ये है मेरा फेवरेट प्लेस कुकी मैन, तो यहाँ पे मैंने ना पूरा आस्ते से रिकॉर्ड किया था। पिछले टाइम पे याद है आपको, मैं जब शेयर की थी व्हेन आई परचेज कुकीज़ फ्रॉम कुकी मैन, तो मैंने आपको ना सारा नेम्स क्लियरली नहीं शो किया था, तो इस बार आई थॉट कि थोड़ा अच्छे से क्लियरली नेम शो किया जाए सारे कुकीज़ का। वहाँ का जो फेवरेट रिसेंट फेवरेट हो गया है मेरा वो है शॉर्ट क्रम, जो ब्रेड वाली जो कुकी होती है ना, शायद उसका वही नाम है वो, चोको चिप, और ये क्रिस्पी वाला जो चोको चिप कुकी है वो, एंड कोकोनट वाला। बट इस बार हमने कुछ भी नहीं लिया, और मेरे को था कि कुछ सैंडल वैंडल में लेना है, तो कुकी मैन के सामने ही ये बाटा का स्टोर है, तो वहाँ से मैंने एक अपने लिए सैंडल ले लिया। आई विल शो यू लेटर। और फिर हम गए थे स्पेंसर्स में, जो मुझे बहुत अच्छा सा चीज़ देखा और मैंने उठा लिया। मैंने ना साउथ सिटी के स्पेंसर्स में फर्स्ट टाइम उसको देखा था। हाँ हाँ मैं बता रही हूँ, रिवील कर रही हूँ थोड़ी देर में। और ये है वो चीज़ें जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। यस, रामेन, कोरियन रामेन देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। आई सॉ दिस फॉर द फर्स्ट टाइम साउथ सिटी के स्पेंसर्स में, तो मुझसे यू नो रुका नहीं गया और मैंने फटाफट से उठा लिया।
चलिए फटाफट से हम बिलिंग कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ मैंने स्पेंसर से ना ख़रीदा नहीं, बस वही रामेन चार अलग अलग फ्लेवर्स के, और भाई के लिए मैंने एक कप नूडल्स ख़रीदा था, दैट सेट। और ये हमारा पूरा शॉपिंग फ्रॉम साउथ सिटी। और फटाफट से चलते हैं हम शोलवाना में लंच कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे प्लेट्स के ऊपर बनाना लीफ को कितना प्यारा से कट करके रखे हैं ये लोग, गोंदोराज नींबू मिर्ची। और यहाँ पे हमने लिया था फिश कटलेट जो बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी था एंड फ्रेश था। सैलेड लिया था हमने, आलू पोस्तो लिया था, दिस इज़ चिकन मटन कोशा सॉरी दाल, और ये है आलू भाजा, और यह है चिकन डाक बांग्लो जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, एंड दिस इज़ मेथी साग जो इनका कॉम्प्लीमेंट्री था, एंड दिस इज़ द बिल। चलिए हमने पीछे से ना मटन कौशा भी लिया था जो मैंने नहीं दिखाया बिकॉज आई वॉज़ हैविंग माई लंच, उस टाइम पे तो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये है वो परफ्यूम जो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया, इसका स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये है वो स्वेटशर्ट का बिल, और मैंने यू नो स्पेंसर से भी कुछ ख़रीदा है और बाटा से भी ख़रीदा है, दिखाती हूँ। पहले मैं स्पेंसर्स का दिखा देती हूँ, सो मैं इसको ना यहाँ पे निकाल लेती हूँ पहले। सो ये जो ओनली का आप देख रहे हैं ना, चिली फ्लेक्स और ओरिगानो, एक्चुअली हम बिलिंग के टाइम पे ना जिन्होंने बिलिंग किया तो वो उन्होंने कहा कि यू नो ऑफ़र है 31 दिसंबर तक ही है ऑफ़र, मतलब कल तक है ऑफ़र। एक्चुअली इफ़ यू टेक वन ओरिगानो एंड वन चिली फ्लेक्स तो 29 रुपीज़ पड़ेगा, और अगर आप सिंगल ओरिगानो लेते हो तो 99 पड़ेगा। फिर मैंने लिया ये मिस्टर किमची का रामेन, ये भाई ने ख़रीदा अपने लिए, और ये सारा जो है रामेन मैंने अपने लिए ख़रीदा है। Now I'll show you my sandal. तो ये है मेरा सैंडल, see.